हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियाज बुफे। तो आज हम बनाने वाले हैं हम सबका फेवरेट बर्गर, जो कि हम बनाएंगे बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है बर्गर। हमें इसमें सिर्फ हमें पैटिस रेडी करनी है, बाकी आप बहुत ही जल्दी बिल्कुल मैकडोनल्ड टाइप बर्गर रेडी कर सकते हैं घर पे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा यमी बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बॉयल्ड आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने प्रेशर कुक कर लिया था 2 सीटी में। उसमें मैं डालूंगी बॉयल्ड पीस, 1 ओनियन बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही बनाया, जो कि ब्राउन ब्रेड से बनाया है, इसके लिए इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और हमें अच्छे से मैश कर लेना है इन सबको। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड कैरेट भी यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा मैश करने के बाद हाथों से अच्छे से मैश करेंगे, बिकॉज हाथों से ही अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया है लगभग 50 ग्राम पनीर। पनीर से जो टिक्की का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये ऑप्शनल भी है। अगर आपको पनीर ऐड नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जब ये मसाला रेडी हो जाए तो हमें एक टिक्की बनाकर देखना है, मतलब प्रॉपर शेप आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्टिकी है, यानी कि अगर गीला गीला लग रहा है, तो आप ये स्टेज पर और भी ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये परफेक्ट टिक्की बन गई है। तो अभी हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो स्टिक नहीं हो, और फिर हम टिक्की बनाना चालू कर देंगे। हमें टिक्की का शेप जितना आपका बन है उस हिसाब से देना है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना है। आप बन के शेप के हिसाब से ही टिक्की का शेप दीजिए, और टिक्की को हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा अच्छा थिक रखना है। आपने खाया होगा ना मैगी में कि कैसा थोड़ा सा थिक रहता है टिक्की। तो बस हमें अच्छे से प्रेस करके राउंड शेप दे देना है। तो ये बन गई ना परफेक्ट टिक्की। तो ऐसे ही करके हम बाकी सारी टिक्की भी रेडी कर लेंगे। इतने मसाले से लगभग हम 4 या 5 टिक्की बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है और एक राउंड सा अच्छा सा शेप दे देना है। तो बस ऐसे ही करके हम सारी टिक्की रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 टिक्की बना ली है। अब हम बैटर बनाते हैं। बैटर के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 2 चम्मच मैदा, जिसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये हम बैटर इसलिए रेडी कर रहे हैं, इसी में हम टिक्की को कोट करेंगे। तो अभी हमें बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर आप पतला कर देंगे, क्योंकि हमें कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स में भी कोट करना है, अगर बैटर पतला हो जाएगा तो ब्रेड क्रम्स जो है वो स्टिक नहीं होंगे। तो हमें बैटर को जो है वो हल्का थोड़ा सा थिक रखना है, ताकि जब हम ब्रेड क्रम्स कोट करें तो वो अच्छे से कोट हो जाए। तो बस हमें एक टिक्की लेना है, बैटर में प्लेस करना है, और स्पून से अच्छे से बैटर को पूरी टिक्की में अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और आप फोक से उठाइए, ताकि जो भी एक्सेस बैटर रहेगा ना वो पूरा निकल जाएगा। और बस फिर हम ब्रेड क्रम्स में प्लेस कर देंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर देंगे। अभी हमें एक्स्ट्रा क्रिस्पी अगर टिक्की बनानी है, तो हम ये जो प्रोसेस है हम 2 टाइम्स फॉलो करेंगे। मतलब ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने के बाद फिर से हम थोड़ा सा बैटर अप्लाई करेंगे, और फिर से हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप फ्राई करेंगे तो जो टिक्की है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, और बहुत तेल जो है सोक नहीं होगा। तो आप जब भी टिक्की बनाएं तो 2 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करें। चलिए अब हम बनाते हैं बर्गर सॉस। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीज़ सॉस लिया है। आप चाहें तो मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच केचप, और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारी बर्गर सॉस रेडी है। तो अभी हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तभी हमें टिक्की को प्लेस कर देना है,
और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हम टिक्की को फ्राई करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो टिक्की बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो हमें लो फ्लेम पर और बस एक बार ही फ्लिप करना है और ये टिक्की हमारी रेडी है। दिख रहा है ना आपको ऊपर का जो कोट है वो कितना क्रिस्पी आया है, बिकॉज हमने 2 times कोट किया है एंड हमने लो फ्लेम पर फ्राई किया है। वही अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगी टिक्की। तो ऐसे करके हम सारी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमारी टिक्की रेडी है, तो हम चलते हैं लास्ट फाइनल प्रोसेस पे। तो यहाँ पर मैंने 2 burger के बन लिए जिन्हें हम हाफ कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। और हमें एक पैन लेना है, उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बन को टोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं बिना टोस्ट किए हुए, बट आप लेकिन बटर अप्लाई करके थोड़ा सा टोस्ट करेंगे तो जो सूखापन जो रहता है बन का वो चला जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमें दोनों साइड फ्लिप करके थोड़ी देर के लिए टोस्ट कर लेना है। बन हमारे टोस्ट हो गए, तो अभी जो नीचे का जो पोर्शन होता है बन का, उसमें हम पहले टिक्की प्लेस करेंगे। आप चाहे तो लेटस भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लेटस स्किप किया है। तो हमें टिक्की प्लेस कर देना है, ऊपर से हम रखेंगे चीज स्लाइस। फिर हमें रखना है टमाटो ओनियन। अगर आप चीज नहीं खाते हैं तो आप चीज स्किप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा बर्गर बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो आप अपनी चॉइस से रेडी कर सकते हैं। और बस फिर हम एक बन पे अप्लाई करेंगे, हमने जो बर्गर सॉस रेडी किया था वो हमें अप्लाई कर देना है। और हल्के से प्रेस कीजिए और ये हमारा एकदम मैकडॉनल्ड जैसा मैक आलू टिक्की रेडी है। तो लग रहा है ना बिल्कुल जैसा हम मैकडॉनल्ड में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमें सिर्फ पेटिस रेडी करनी है, बाकी कुछ भी टाइम नहीं लगता ये बनाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर आता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।